नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल स्टडी विद जेपी पर। तो फ्रेंड्स, आज आपको मैं ना बेरोजगारी भत्ते के बारे में बताने जा रहा हूँ कि जो अपने सबके पास एक मेल आ रहा है, तो मेल आपको दिखा देता हूँ। इसी टाइप का सबके पास मेल आ रहा है, जितने भी रजिस्टर्ड कैंडिडेट है जिन्होंने फॉर्म भरा है उन सबके पास इस टाइप का मेल आ रहा है। तो फ्रेंड्स, ये मेल क्यों आ रहा है? क्योंकि अब जो है सरकार वापस इन कांग्रेस की बनी नहीं है, बीजेपी की बनी है, तो उन्होंने वापस से रूल्स चेंज किए हैं। ठीक है, तो गहलोत साहब ने रूल्स चेंज किए कि भाई अब अपने जो सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट है वो दोबारा से अपलोड करो, यानी कि उसको नोटरी करवा के अपलोड करो, और जो आपने जो इनकम सर्टिफिकेट लगाया था उसका भी अपलोड करो। तो इस वजह से ये सबको है इस टाइप की मेल जो है भेज रहे हैं, ये हर एक कैंडिडेट के पास जा रही है। ठीक है, तो अब अपने को ये फॉर्म में जब अपन SSID से लॉग इन करते हैं और अपनी इस फॉर्म पर जाते हैं, तो ये बता रहा है यहाँ सब कुछ सही है, लेकिन यहाँ स्टेटस में जो है ये पेंडिंग बता रहा है। ये आप देख सकते हो स्टेटस पेंडिंग। तो फ्रेंड्स, अब आपको ये जानना है कि अब ये ऐसा तो इन्होंने मेल दे दी, लेकिन इन्होंने बताया नहीं कि इसको वापस से सबमिट कैसे करना है। तो फ्रेंड्स, ये सबके पास दिक्कत आ रही होगी कि इस फॉर्म को सबमिट कैसे करना है। तो फ्रेंड्स, जो पुराने आपने जो फॉर्म भरा था और आपने जो डॉक्यूमेंट बनवाए थे, जैसे इनकम सर्टिफिकेट है, सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट है, तो वही आपको काम में लेने हैं। ठीक है, तो उसमें आपको करना क्या है, जैसे ये दिखा रहा है और तो कहीं इस पर क्लिक करना ही करना है आपको दूसरी जगह। ठीक है, तो अब इस पेंडिंग वाले जो स्टेटस पेंडिंग है इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे अपन तो ये पेज खुलेगा। ठीक है, तो इसमें एम्प्लॉयमेंट में आपको सबको पता है इसी में वो बेरोजगारी भत्ता वाला फॉर्म है, तो इसमें आप जाएंगे तो ये यहाँ से अपडेट कर देते हैं। ये हो गया अपडेट सक्सेसफुली। और अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ से इस पर क्लिक करना है, तो यहाँ से क्लिक करोगे तो ये अपडेट है। आप पढ़ लेना, 2-1 मिनट का होगा ये, कोई 5-6 पॉइंट है, 7-7 पॉइंट है, और इनको कंटिन्यू कर लेना है। ठीक है, कंटिन्यू करने के बाद 1 मिनट, कंटिन्यू करने के बाद दोबारा से इस पेंडिंग पे क्लिक करना है, तो ये आपका फॉर्म जो है अपडेट होने के लिए रेडी है। तो आपको क्या करना है, वो कुछ नहीं छेड़छाड़ करनी है, जो पहले भरा हो वो सही आपका फॉर्म, और चेक एलिजिबिलिटी फॉर कंटिन्यू इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। ठीक है, यहाँ आपको दोबारा से सेंड OTP करना पड़ेगा और फिर ये वेरीफाई हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, सेल्फ डिक्लेरेशन ये जो फॉर्म था वो दोबारा से आप डाउनलोड करके देखोगे तो पुराना ही फॉर्म खुलेगा, ये जैसे फोटो लग के ये आपके पास बनाया हुआ है। इसको आपको क्या करना है, कोर्ट में जाके नोटरी करवा देनी है। ठीक है, वो इस पर सील और उसका जो है नंबर होगा वो लिख के दे देगा नोटरी करने वाला। ठीक है, इस ये तो अपने को जरूरत नहीं है। फिर आपको क्या करना है, ओनली एक ही जो इनकम में 2 पेज थे उसका सिर्फ ये 6 नंबर पॉइंट देखो आप, इनकम डिक्लेरेशन 1I, तो इसी पेज को आपको जो है नोटरी करवा के दोबारा से स्कैन करके अपलोड करना है। ठीक है फ्रेंड्स, और आपको कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। ये देखो एडमिनिस्ट्रेशन ने, प्रशासन ने सबको यही मेल भेजा है, तो अगर आपको समझ में नहीं आया मैं आपको समझा देता हूँ। इन्होंने यही कहा है कि आपने जो फॉर्म भरा है उसमें जो सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है उसको आप दोबारा से सबमिट करो, और जो इनकम डिक्लेरेशन फॉर्म का है उसका अनेक्सर आई है, जो आई वाला है उसको रीसबमिट करना है। और कैसे करना है, नोटेरियल रजिस्टर्ड नंबर एंड डेट, जो आप नोटरी करवाने जाओगे वो आपको नोटरी करके और डेट लगा के दे देगा। ठीक है फ्रेंड्स, वो अपलोड करने के बाद यहाँ से अपडेट कर देना है। ठीक है फ्रेंड्स, ये 2 ही चीज़ें आपको दोबारा से अपलोड करनी है। ठीक है, धन्यवाद।